दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज की ये वीडियो यूपी स्कॉलरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, बहुत सारे मैक्सिमम छात्रों के रिन्यूअल वालों के जो समय से फॉर्म फिल कर दिए थे अगस्त में, तो उनकी जो स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर तक आ गई है, उनको मिल चुकी है उनके खाते में, ठीक है। लेकिन जो छात्र अभी तक स्कॉलरशिप जिनकी नहीं आई है, फ्रेश है, या फिर रिन्यूअल वाले हैं जो कि बाद में फॉर्म फिल कर पाए हैं, तो अभी तक जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, एग्जैक्ट डेट आपको बताने वाला हूँ कि किस डेट को आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। आप चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल, एससी, एसटी, सभी की मैं डेट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़े ध्यान से आपको देखना है अंत तक। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारे सारे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यदि आपने यूपी स्कॉलरशिप 2019 के लिए आवेदन किया है, फॉर्म फिल किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताने वाला हूँ कि कब तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी 2019-20 सत्र की, ठीक है। तो बिल्कुल, और ये डेट मैं कैसे बता रहा हूँ इसका प्रूफ भी आपको दूंगा। बिल्कुल ये सरकार के द्वारा निर्धारित जो प्रूफ है वही आपको दिखा रहा हूँ, कोई इसमें फेक न्यूज नहीं है। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने है समय सारणी 2019-20 के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 2019-20 द्वितीय समय सारणी। इसके पहले जो पहली समय सारणी आई थी उसमें चेंज हुआ है, क्योंकि दोबारा से फॉर्म भरने के लिए छात्रों को वेबसाइट खोली गई थी 1 से 20 नवम्बर के बीच में, जो कि अभी चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अपना फिल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम आपको बताते हैं कि कब तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, और बिल्कुल ये क्लियर न्यूज़ है, बिल्कुल सटीक न्यूज़ है। और एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स को, चाहे आप फ्रेश वाले हों या रिन्यूअल वाले, और या फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हों या फिर ओबीसी कैटेगरी से हों या फिर माइनॉरिटी से हों या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हों, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बता दे पूरी सही जानकारी बता दे रहा हूँ कि कब तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी आपके खाते में हर हालत में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं मैं बता दूँ कि यहाँ पर देखिए जो डेट दी गई है कि यहाँ पर 18 नंबर आप पढ़ लीजिए, ठीक है, कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना। जो मांग सृजित कराई जाएगी जन डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी द्वारा, वो आपकी 22 जनवरी 2020 तक मांग हो जाएगी। लेकिन आपके लिए जो बिल्कुल सही न्यूज़ है कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी आपके खाते में, तो आप 19 नंबर को पढ़िए कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट से PFMS के तहत छात्र छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना, और ये 25 जनवरी 2020 तक आपके खातों में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप है आप लोगों की, ये मान लीजिए 21, 22 या 23 जनवरी से आपके खातों में आना शुरू हो जाएगी, और 25 जनवरी 2020 तक का समय दिया गया है कि 25 जनवरी 2020 तक हर छात्र के खाते में स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जानी चाहिए, स्कॉलरशिप मिल जानी चाहिए, पहुँच जानी चाहिए हर छात्र के खाते में। लेकिन पिछले साल भी यही डेट दी गई थी, तो यहाँ से शुरू हुई थी 25 जनवरी से आना, ठीक है, उसके बाद मार्च तक आई थी स्कॉलरशिप। तो ठीक है, अगर आप लोगों की जनवरी में नहीं, पहले तो हर हालत में 25 जनवरी 2020 तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी अगर सब इस समय सारणी के अनुसार कार्रवाई होती गई तो। इसके बाद 26 जनवरी 2020 को प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये अन्य चीज़ें हैं कि जिन्होंने 2017-18 के BTC वाले छात्रों ने जिन्होंने आवेदन किया है, तो उनको रिन्यूअल नवीनीकरण के छात्र के रूप में वरीयता दी जाएगी। तो 25 जनवरी तक सबकी स्कॉलरशिप आ जानी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हम बता दें कि 25 जनवरी तक स्कॉलरशिप सबकी आ जाएगी, लेकिन पहले रिन्यूअल छात्रों को वरीयता दी जाती है, जिनका रिन्यूअल होता है उनकी स्कॉलरशिप पहले आती है, फ्रेश छात्रों की बाद में आती है। और इसी तरह कॉलेज में जो गवर्नमेंटेड कॉलेज होते हैं उनकी स्कॉलरशिप पहले आती है, बाद में प्राइवेट और सहायता प्राप्त सब विद्यालयों की स्कॉलरशिप आती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आपके खाते में आ जाएगी। तो
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोज स्कॉलरशिप और न्यूज़ से एजुकेशनल न्यूज़ से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।